106.2 106.2 FM पर जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे साथ में कोई शामिल हो जाएगा, आर्टिस्ट हमारे साथ शामिल हो जाएंगे जिसे आप बहुत फॉलो करते हैं, जिसके वीडियोस देख के आप बहुत हंसते हैं, एंटरटेन होते हैं। और ये एक चीज तो सारे हमारे लिसनर्स को मालूम ही है कि सैंडी जो है ये सलमान खान की हमेशा से दीवानी रही है एंड वो उनको बहुत पसंद करती है। और लेकिन फाइनली मुझे मौका मिला है। नहीं नहीं मैं बताता हूँ और फिर उसके बाद में जब ये लास्ट ईयर आईएफए में गई थी कवर करने के लिए, जब सलमान ने इसको मतलब कोई भाव नहीं दिया तब इसने भाव क्यों नहीं दिया था, मेरे पास सबूत है। हाँ, तब इसने पार्टी बदली, तब इसने बोला कि अभी मेरे को मेरा सलमान मिला। तो मैंने बोला कौन मिला, तो उसके बाद में फिर इसने मेरे को दिखाया, मैंने बोला आई लाए ये तो है अपने मतलब डॉक्टर संकेत भोसले, कैसे हो यार, हाउ आर यू, वेलकम ऑन हाउ डॉक्टर संकेत। हाय 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 गुड। वैसे जी 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 मैं इसको बता ही रहा था कि वैसे ऐसे सुनने में आया है कि डॉक्टर संकेत भोसले जी जो है ना ये मतलब इनका जो स्टेटस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी, लाइक ही इज प्रॉब्ली इन अ रिलेशनशिप, संडी मान नहीं रही थी सर। वो टेंशन में आ गए सर, बताइए अपने। हाँ तो अभी 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 मेरे को सबसे पहला सवाल ये है जो हम जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग, सर आपने डॉक्टरेट की है या फिर मतलब या एक्चुअल आप डॉक्टर हो, मतलब किसी चीज में आपने? आई एम अ मेडिको। ओके, मैं असली वाला डॉक्टर हूँ, दवाई देने वाला। ओके, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीबीएस एंड डूइंग माय डर्मेट, और अभी एंटरटेनमेंट की फील्ड से मैं ऐसे जुड़ा हुआ हूँ कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही है, मतलब नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फील्ड ही ऐसी है। माय प्रोफेशन इज अ डॉक्टर, बट मेरे को अभी ये अभी मैंने पक्का मैं बता सकता हूँ कि काफी लोग जिन जो डिप्रेशन से गुजरते हैं, जिनको मतलब हाइपरटेंशन वगैरह ऐसी ऐसी बीमारियां होती है, वो मतलब वैसे ही कॉमेडी क्लिप्स देखने के बाद में ना उनका मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। डॉक्टर हो तो मतलब क्या बात है, मेडिसिन की मेडिसिन, और साथ में आप जो अपने अलग डोज देते हो। हाँ। ये कभी संजू बाबा, कभी सलमान खान, कभी फरहान अख्तर, कभी कोई भी सिंगर भी आप बन जाते हो इजिली। तो बताइए ये सब शुरू कैसे हुआ सर? ये शुरू हुआ था बचपन से ही, जब मैं अपने घर वालों की नकल उतारता था, मैं उनका भी मजाक उड़ाता था, मतलब बट आई यूज्ड टू डू इट इन अ वेरी हेल्दी वे, किसी को हर्ट करके उनका मजाक नहीं उड़ाता हूँ। मैं ऐसे वाला ऐसी मस्ती करता हूँ कि सामने वाला भी एंटरटेन हो जाए और जिनकी नकल कर रहे हो वो भी खुश हो जाए, वो नाराज ना हो कहीं पे, और एट द सेम टाइम आप बाकी लोगों को भी एंटरटेन करें और उनका स्ट्रेस रिलीफ करें, ये मेरा हमेशा से एक भंडारा है। ओके okay. और वो जो आप हैशटैग यूज कर रहे हैं ना, हैशटैग शूटिंग कर रहा हूँ तो ये आपने कैसे सोचा कि यही हैशटैग यूज करना है? क्योंकि मैंने इमेजिन किया कि भाई और बाबा कैसे बात करते होंगे, तो जब बाबा पूछते होंगे कि क्या कर रहे हैं सलमान, तो भाई बोलते होंगे शूटिंग कर रहा हूँ। अच्छा मतलब सब लोग कहीं ना कहीं, जैसे आपको पूछूंगा कि मैं क्या क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऐसे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर आपने मतलब आपका वो हम लोगों ने देखा था जहां पर आप गए थे म्यूजिक अवार्ड में, और वो भी यहां पर दुनिया भर में तो बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन जब आप वहां पर सिंगर्स की सिंगर्स को इमिटेट कर रहे थे और सलमान खान को पूरा आप इमिटेट कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ये है कि सलमान भाई को लेकर वैसे भी लोग जो होते हैं, एक्टर्स वगैरह जो होते हैं, इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, बहुत संभल कर मतलब दो बार सांस खींच के भी सोचते हैं। इवन विद संजय दत्त, इवन विद संजय दत्त। हाँ तो यू हैव डन समथिंग जिनको करने से मतलब जिनके आजू बाजू और जिनकी मिमिक्री करने से लोगों की मतलब टोटल फटती है, तो आपने वो किया है? हाँ वो किया है और सक्सेसफुली कर रहे हैं। एक्चुअली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको कहा मेरा फंडा ये है कि जब भी किसी को मतलब इमिटेट करो तो बस इस तरीके से कि उनको चिढ़ाओ मत, उनको इमिटेट करो, उनकी मिमिक्री करो जी, जिससे वो हर्ट ना हो। वो एक बहुत थिन लाइन है जो आपको देखनी पड़ती है, जो ऊपर वाले की दुआ है कि मैं वो बिल्कुल मेंटेन कर पाया हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, और एट द सेम टाइम सामने वाला भी खुश हो और सुनने वाला भी खुश हो, ये मेरा फंडा है। सो व्हेन मैं उस तरीके से मैंने किया, मन आपका हार्ट बहुत क्लीन होना चाहिए इस मामले में जी। आपको कहीं पे भी एक मन में अगर आप अच्छा थॉट लेके करोगे ना ये,
तो आप किसी को भी हर्ट नहीं करोगे, ऐसा मेरा बिलीव है. सो आई बिलीव आई वांट टू आस्क यू कि जब पहली मर्तबा आप सलमान खान से या संजू बाबा से जब मिले, यू नो व्हेन बिकॉज़ वे एक एनकाउंटर होता है, तो फिर वो क्या रिएक्शन था उन लोगों का? जब मैं बाबा से पहले मिला था, सबसे पहले संजू बाबा से, तो उन्होंने तो मतलब ऑलरेडी देख रखा था मुझे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस बहुत घूमे थे यहाँ वहाँ, बहुत बहुत ये था उनके पास. तो बाबा ने मुझे देख के बस पहले लाइन ये बोली, असल हाथ बाहें खोली उन्होंने, एक तो ही सो यूज, तो उन्होंने ऐसी बाहें खोली और मुझे बोला ये बेटा है मेरा. क्या बात है. मतलब मैं नाइन्थ का, मुझे ना वो एक अलग ही वो अलग फील है, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट. क्या मुझे लगा उस वक्त कि बाबा संजू बाबा द रियल रॉक स्टार ऑफ बॉलीवुड, यू नो, एंड मुझे वो बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सामने है, मैं उनके सामने हूँ. और वो उन्होंने ये कहना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं मरते दम तक नहीं भूल, मैं कभी नहीं भूल सकता. बिल्कुल सर. एक्चुअली हमने वो पिक्चर भी देखी आपके इंस्टा पर जब आप उनसे मिले थे. इट्स एक्चुअली वेरी वार्म पिक्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है वो. एंड यू सेड इट राइटली कि संजू बाबा जो एक्टर है, मतलब संजय दत्त जो है ना, मतलब अभी फिलहाल उस पर भी आएंगे. बहुत शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि संजू फिल्म जो अभी आने वाली है, जिसमें रणबीर कपूर को आप संजय बाबा का किरदार करते हुए देखेंगे. हमें ये पता चला कि इसमें भी आपने मतलब रणबीर कपूर की बहुत मदद की थी इस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी है आपने उनको. रणबीर कपूर, देखिए मैं कहूंगा रणबीर कपूर खानदान के हैं और उनके खून में इतनी ज्यादा एक खास बात है कि उनको एक्टिंग किसी से सीखने की जरूरत नहीं, पहली बात तो ये. और वो एक इनबॉर्न टैलेंट है उनमें एक एक्टर का, और वो किसी को भी मतलब वो कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं. मुझसे जब मिले थे, मुझे फर्स्ट टाइम गॉट, मेरे साथ बहुत सरप्राइजेस हुए लाइफ में. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रणबीर कपूर सेइंग हाय संकेत, दिस इज रणबीर. ओह माय गॉड. I was taken back for a moment कि ये सच में रणबीर कपूर है या कोई मेरे दोस्त ले रहा है. और फिर रणबीर ने फिर आगे उन्होंने ये कहा कि हाय संकेत, रणबीर एंड आई बीन वॉचिंग योर वीडियोज एंड आई बीन फॉलोइंग यू सिंस अ लॉन्ग टाइम, बीन डूइंग ग्रेट, आई बीन अ बिग फैन ऑफ योर्स, सो आई जस्ट वांट टू मीट यू फॉर अ व्हाइल, मैं मिलना चाहता हूँ, एंड लेट्स कैच अप. तो ये सब बातें सुनने के बाद मेरे पैरों पर जमीन खिसक गई कि रणबीर कपूर वॉन्ट्स टू कैच अप, वॉन्ट्स टू मीट, एंड यू नो ही टोल्ड मी कि ही वॉन्ट्स टू मीट अप फॉर ही इज डूइंग अ मूवी ऑन संजू सर, और उसके लिए ही वॉन्ट्स टू मीट मी. देन वी मेट और हमने कहा, हमने दो घंटे, आप बिलीव नहीं करोगे, आप मतलब ये कैसे एक्सप्रेस करूं मैं कि तीन घंटे रणबीर कपूर के साथ बैठ के आप कॉफी पी रहे हो, बातें कर रहे हो. ही इज अ सुपर पर्सनैलिटी. अगर उनकी खासियत मैं आपको बताऊं कि वो दो मिनट में भी किसी को भी फ्लैटर कर सकते, मतलब वो सामने वाला कुछ भी करके मतलब सरेंडर हो जाए उनके सामने. ही इज दैट पर्सनैलिटी. ही इज सो हैंडसम, ही इज सो एडोरेबल, ही इज सो हम्बल. हम्बल बहुत है वो. आप सोचिए ना, किसी से कोई क्यों ऐसे, कोई एक्टर कोई सुपरस्टार ऐसे बोलेगा किसी को कि मैं आपसे कुछ वो एक्टर मिलना चाहता हूँ. और यहाँ पर वो उस एक्टर की बात कर रहे हैं जो मतलब जिनका खानदान हमेशा खानदान मतलब कपूर खानदान से जो बिलोंग करते हैं. यू सेड इट राइटली, आई मीन यू नो, और वो एक खून में एक्टिंग है, वो एक मोडेस्टी जो है ना, मतलब देखने को की मिलती है कि इतना बड़ा कलाकार कितना मॉडेस्ट है, डाउन टू अर्थ है, कि मतलब वो भी अपने किरदार के लिए कुछ टिप्स चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, फिर यू नो मिलना चाहता है. तो ही वॉज लाइक, क्या बात कर रहा है, मतलब ही वॉज अवेयर दैट आई एम अ डॉक्टर. ही थॉट मैं यही सब करता हूँ. सो फिर मैं अच्छा सुना कि जी. नो माय क्वेश्चन वाज कि फिल्म में फिर जब शूटिंग हो रही थी तो फिर किस तरह से आपने यू नो अपना सहयोग दिया था? शूटिंग के दौरान मैं नहीं गया था, हम वहां पे मिले थे, तो वी डिस्कस संजू सर अलॉट, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज स्टाइल, हिज आईज, is everything of his, whatever I knew, I discussed, and unko bahut unhone, and he's super person to like, you know, to grasp things, and he takes the things in such a way ki wo, he's a very good absorber, I'll say, and observer and absorber. Okay. Jo main believe karta hu ki main observe karta hu aur absorb karta hu, and he's a star in that. Wo to unko matlab wo unke khoon mein, maine wapas wo कहूंगा मैं. नाउ ही इज अ सुपर पर्सन, ही इज अ सुपर एक्टर.
Now, Dr. Sanket Bhosale, you know, moving on. Phir Salman bhai se aapki mulaqat pehli martaba kab hui? Salman sir se meri mulaqat hui thi Baba ki Chowki pe pehle. Okay. Nahi, usse pehle humne Tubelight ek event kiya tha. Tubelight unki movie jab aa rahi thi tab. Right. Aur jab unko milke to matlab mujhe aisa laga ki matlab pehle to main bas dekh hi raha tha unko. I know, charming personality hai. मतलब मैं बस देख ही रहा था मैं देख रहा था तो उन्होंने मुझे देखा उनका एक स्टाइल है ना वो जी ऐसे गर्दन हिलाने वाला कि अच्छा ऐसे वो वाला उन्होंने मुझे देखा और ही सॉ माय वीडियो तो मतलब मैं तो लेकिन ही टुक इट इन सच अ वे ही वाज कन्वर्सेटिंग विद मी इन सच अ वे कि सब कैजुअल एंड इतना फ्री और जैसे पता नहीं कि हम पहले भी मिले हैं और मैं तो मतलब बहुत मतलब ही वाज वेरी हैप्पी मॉडल से कि आई सॉ योर थिंग और जब मुझे अरबाज भाई मिले थे तो अरबाज भाई ने बोला था कि मैंने भेजा है सलमान को हाँ वो मैंने भेजा है वीडियो okay. सलमान ने जो देखा है वो मैंने भेजा है अच्छा हाँ मतलब बहुत ही फैमिली लग मुझे है और वो बहुत अच्छे लोग हैं स्टार्स हैं बहुत अच्छे लोग हैं और हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि स्टार्स कैसे होते हैं सुपरस्टार कैसे होते हैं तो जब मैं संजू सर को सलमान सर को मिला तब मुझे पता चला कि जो सबसे ज्यादा हम्बल होता है वही स्टार होता है क्या बात है एक्चुअली वही चीज बनाती है यस 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 मोमेंट समथिंग गेट्स इन योर हेड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम और ये लोग बहुत हम्बल ग्राउंडेड जमीन से जुड़े हुए लोग हैं मतलब इतना अच्छा कनेक्ट है उनका सबके साथ इसलिए दैट मेक्स देम अ स्टार व्हाट आई फील Amazing. And now it's really good to hear it from a person who is also, you know, big part of the industry. And now coming and talking about you, Dr. Sanket Bhosale, because jitna aap unke bare mein baat kar rahe hain, hamare liye, you know, aap ek bahut bade star ho aur aapko hum dekhna bahut pasand karte. Believe me, and this is a very honest thing, jab hum aapko kaam karte hue dekhte hain, mimicry karte hue dekhte hain, matlab imitate karte hain. Aapke videos ka actually mein hum intezaar karte hain. Insta pe kab aapki video aayegi. YouTube पे मतलब आप हमेशा बाद में जाके पोस्ट भी करते हो उनको आपके एपिसोड्स का हम इंतजार करते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड में मैं तो बोल रहा हूँ कि सर आप इधर आओगे ना तो यू नो ना आग लग जाएगी इधर यहाँ पर लोग एकदम पागल हो जाएंगे आपको देखने के लिए सीरियसली इरादा है आपका वैसे हाँ अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं मतलब ये कर सकते हैं मैं आऊंगा बहुत जल्द आऊंगा न्यूजीलैंड आऊंगा और जब भी मैं आऊंगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा जी देखो अभी ये आने वाले साल में जरूर आऊंगा और हम लोग यहाँ पर एडवेंचर्स ऑफ ड्राइव शो विद देव एंड सैंडी करते हैं जहाँ पर स्काई डाइविंग हो पैरासेलिंग हो बंजी वंजी हो वो सब भी हम आपको कराएंगे बिल्कुल मतलब ये हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिएगा आप जब आएंगे ये सेटिंग तो ये जुगाड़ तो हम लोग कर ही देंगे आपके लिए डेफिनेटली मतलब बहुत बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर या एंड ऑल्सो व्हाट अबाउट मूवीज मतलब आपने अभी तक टीवी शोज वगैरह किए हैं सारे आपका कोई मूवीज में आने का अभी लाइक मूवीज भी अभी है कुछ मतलब बात आई मीन टॉक्स तो सून यू विल सी मी ऑन बिग स्क्रीन और आई ऑल्सो होप कि मैं बहुत अच्छे से और आपके सामने आऊं डेफिनेटली बिकॉज आई फील यू नो A person like you definitely you know आपको film industry में आना चाहिए because आपने अपनी मेहनत अपने talent से जो insta के through या फिर social media के through मतलब जो आपने And TV shows के through show आप जो नाम कमाया है और उसके बाद में you deserving I started with जब मैं MBBS कर रहा था तब मैं internship के दौरान मैं एक मेरी छोटी सी holiday पे मैं घर आया था तो वहां पे मैंने एक audition दिया था घर आने के बाद मैंने हमारे बॉम्बे में मैंने एक audition दिया था So which I got through and I did a TV show on Life OK, Laugh India Laugh. Wow. उसके बाद I never came back for like 3 years क्योंकि मैं internship कर रहा था उसके बाद मैंने थोड़े एक साल practice भी की और I was getting oriented to the medical field of mine and उसके बाद मैंने सोचा कि मैं entertain तो कर ही सकता हूँ लोगों को तो क्यों ना मैं कुछ videos बनाऊँ तो the people whom I love और मैंने एंटरटेन करना शुरू किया देन दो वीडियोस वेंट सो वायरल मुझे रातों रात मुझे ऐसा लगने लगा कि पता नहीं कितने लोग पसंद करने लग गए उन वीडियोस को तो मैं बनाता गया दे केम इनटू ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी पीपल द मेकर्स द लाइक पीपल फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री सो दे कॉल मी अप मतलब मैं ये कहूंगा कि इसके ये सब चीजों के पीछे व्हाटएवर यू लव ना यू शुड ऑलवेज
keep loving it so that it gets attracted to you and things automatically come to you when your heart is open for it and it's very pure for it. So aap jo bhi cheez aapko pasand hai wo karte rahiye to wo zarur aapko milti hai. Jaise ek patthar ke upar pani ne patthar ko cut karna, ye sunne ke baad kitne logon ko sach lagta hai? Nahi lagta kisi ko sach. Lekin jab wo pani constantly uske upar girta rahe it automatically it cuts the stone and it makes its own way. तो वो चीज है जो आप लगे रहो मुन्ना भाई जो फिल्म है ना वो बिल्कुल सही है, लगे रहो ना बहुत जरूरी है. नहीं आपने बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बोली, लगे रहो वरना आपके लग जाएंगे. हाँ लगे रहो वरना लग जाएगी भाई, एकदम सही बोला. सही है. जाने से पहले सर, बिकॉज यू नो टाइम की ओर देखते हैं तो आपको भी हम बहुत देर तक रोकना नहीं चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ आपकी जो कलाकारी है ये हमें अगर आप सुनाते जाएं तो चाहे फिर वो कोई मिमिक्री हो और कुछ गानों वगैरह का भी, आपकी आवाज भी बहुत ही सुरीली है, तो थोड़ा मतलब थोड़ा सा आप हमारे लिसनर्स को टेस्ट करा दे तो इट वुड बी रियली ऑसम. मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले मैं कैलाश खीर आपसे कुछ कहना चाहूंगा. ये बस न्यूजीलैंड के लिए एक्सक्लूसिवली मैं अभी गा रहा हूँ. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया न्यूजीलैंड. क्या बात है सर. अभी वो नींद नीति मुझे मुकेश कौन था? नींद नीति मुकेश को बहुत ज्यादा प्यार, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत ही मतलब मेरे बहुत करीब है और उनके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ. मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तो न्यूजीलैंड आऊंगा ही. मीन डॉक्टर संकेत इज गोन बी इन न्यूजीलैंड समडे. लेकिन नीम नितिन नितेश भी आएगा. Bro, you're a champ, man. Like, seriously, man. Guys, आपको फॉलो करना है डॉक्टर संकेत भोसले. आप इंस्टा पे इनकी जो प्रोफाइल है ये चेक कर सकते हैं एंड ऑफकोर्स फेसबुक पे जाके भी आप इन्हें फॉलो. फेसबुक एंड यूट्यूब. जाने से पहले जी जाने से पहले एक एक सारे सोशल हैंडल्स पे शेयर करता हूँ ताकि सब लोग एंटरटेन हो सके. कई बार होता है किसी के पास यूट्यूब नहीं होता, किसी के पास फेसबुक नहीं होता, किसी का इंस्टाग्राम नहीं होता, तो मैं सभी मेरे हैंडल्स पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना ताकि लोग देखें, एंटरटेन हो. और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मतलब मेरी मम्मी बीमार थी तो हम बहुत स्ट्रेस में थे तो मम्मी को दिखाया. तो इट फील सो नाइस कि आप किसी के मॉम डैड के भी काम आ रहे हो. मैं उनका उस वक्त बेटा बन जाता हूँ तो आई फील जैसे मेरे मॉम डैड फील करते हैं वैसे सभी के मॉम डैड फील करते हैं. एंड माई ह्यूमर इज नेवर बिलो द ट्रेंड. तो क्योंकि बच्चे इतने फॉलो करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कभी आप भी ये प्रमोट कीजिए इस चीज को कि ऑनलाइन हो या कुछ भी हो, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो चीज है, गाली है ना, आदमी को सिखानी नहीं पड़ती. जो इंसान को गाली पड़ती है तो अपने आप सीख जाता है. बिल्कुल. तो गाली बच्चे गाली सुनेंगे तो मजा नहीं आता. मैं ऐसा काम करता हूँ ताकि पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके और उसको एंजॉय कर सके. और मैं आई ऑलवेज ट्राई टू पुट गुड मैसेज इन माई कॉमेडी स्टफ. डेफिनेटली वो कॉमेडी या ह्यूमर नहीं, वो बहुत ही अच्छा रहता है. सर मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो ये बोल रहा हूँ सर कि आपको ना मतलब न्यूजीलैंड में ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि आपको आना चाहिए. और हम लोग भी यहाँ पर हम लोगों ने भी बहुत इवेंट्स वगैरह किए हैं. विल प्रॉब्ली लुक एट ऑप्शंस कि हम आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके मैनेजर से बात करेंगे ताकि आप यहाँ पर आए और आपका मतलब शो वगैरह हो और लोग आपको आपका हुनर वगैरह जो है देख सके. डेफिनेटली. एंड जाने से पहले वो जग घूमिया वाला अगर थोड़ा सा हो जाता तो देखिए दिस इज कोई. नमस्कार, मैं हूँ सोनू निगम. कुछ चाहिए और ऑकलैंड आपको बहुत आया. क्या बात, ब्रिलियंट. यू कैन डू एनीथिंग. थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए यावर. थैंक यू.
ज्यादा ज्यादा नवाज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी जी नमस्कार, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मैं ये कहूंगा कि बाप का बेटे का न्यूजीलैंड का पूरा सबका बदला लेगा तेरा फैजल जो है। क्या बात है, ओह माय गॉड, क्या बात है, सुपर्ब है भाई, सुपर्ब। मतलब आज लग रहा है कि हमने पूरी फिल्म इंडस्ट्री से बात कर ली है। लाइक दिस इज अमेजिंग मैन, दिस इज लाइक रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपको बहुत ज्यादा प्यार, थैंक यू सो मच न्यूजीलैंड, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड आई विल ऑलवेज लव यू, आई विल ऑलवेज एंटरटेन यू। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप सब लोग हमेशा स्ट्रेस फ्री और खुश रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर संकेत भोसले। हम 106.2 FM पर इनसे हमारी बातें हो रही थी, हम FM ड्राइव शो, द शो दैट ड्राइव्स यू क्रेजी, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें। रिमेम्बर गाइस, इनको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे जाके डॉक्टर संकेत भोसले, देन फेसबुक पे जाके एंड ऑल्सो यूट्यूब चैनल आप इनका फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोज के लिए।